आइए मिस्टर राजेश। गुड मॉर्निंग। कल हमारे सेठ साहब कुछ क्रॉकरीज पसंद कर गए थे, वो सब तैयार है? जी हाँ जी, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी पैक करवा देता हूँ। ठीक। मोहन, सामान बाहर गाड़ी में रख दो। अच्छा सर। ये नौकरी तो आपकी होप थी कि मिस्टर राजेश, 2 महीने पूरे होने को आज। पूरे हो जाए तब कहिए। ड्राइवर, कौन हो तुम? आप कौन हैं? What do you mean? होश में हो तुम? जी हाँ, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। आप अपने होश की तवाह कीजिए। देखो मिस्टर, देखिए मिस, माना कि आप लड़की हैं और बेइंतहा हसीन है, लेकिन अगर आपको गाड़ी में ही बैठना है तो शरीफों की तरह से रिक्वेस्ट कीजिए। यूं जबरदस्ती गले क्यों पड़ रही हैं? है? आपका गाड़ी में से उतरने का इरादा नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपका बैठने का इरादा है तो आइए, तशरीफ लाइए। आइए। अरे व्हाट इज दिस? आप हा? अपनी गाड़ी वो खड़ी है क्या? चलिए आइए। माँ डाला, वो गाड़ी भी अपनी गाड़ी जैसी थी। सॉरी राजेश, नौकरी गई। ये अच्छा हुआ, नौकरी भी बच गई और साथ बोनस भी मिल गया। इस नेक मशवरे का शुक्रिया। ड्राइवर, जल्दी उस गाड़ी को फॉलो करो। मीना, इतना भी क्या गुस्सा? खामखा बेचारे का इतना नुकसान कर दिया। देखो आशा, तुम हो दिल्ली की रहने वाली, इन बम्बई के बेचारों को तुम क्या समझोगी? तो तुम्हारा मतलब है वो जानबूझकर हमारी गाड़ी में आ बैठा था? बिल्कुल, ये बम्बई के बेचारे ऐसी ही तरकीबों से मुलाकातें शुरू किया करते हैं। मैं नहीं मानती। ड्राइवर, जल्दी बताओ। जरा देखो तो पीछे कौन आ रहा है। अरे ये तो जबरदस्ती गले पड़ता नजर आ रहा है। बेचारा है ना, अच्छी मुसीबत है। ए, रुक जाओ। स्टॉप। कुछ इशारे भी कर रहा है बेचारा। मीना, तुम जरा गाड़ी रोको, मैं इसे मजा चकाती हूँ। आप हमारी गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं? जरूर कोई मतलब होगा। क्या देख रहा हूँ, जुबान के साथ साथ आपका हाथ भी चलता है। मैं कहती, मेरा हाथ छोड़ो। सेफ्टी फर्स्ट। छोड़ो छोड़ो हाथ, छोड़ो। छोड़ दिया सर। सॉरी, वेरी सॉरी मैडम। चलो आशा, सुनिए, आपकी एक चीज है मेरे पास। मेरी चीज? जी, आपकी वैनिटी। अरे ये कहाँ गिर गई थी? थैंक यू। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। आओ आशा। थैंक यू। सुनिए सुनिए, मेरी भी एक चीज आपके पास है। जी? लेकिन उसे आप अपने पास ही रखिए। क्या चीज है आपकी? मेरा दिल। आशा, क्या बात है? ये हजरत तुम्हारा नाम और पता पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे? दीवाने जो ठहरे दीवाने। डैडी, डैडी। और क्या है बेटी? शर्मा जी, चलिए ये लीजिए। आज क्या बात है बेटी? आपकी बाजी अभी खत्म नहीं हुई डैडी। बस अभी खत्म किए देता हूँ बेटी। शर्मा जी, ये चल और ये चला प्यादा। और हाँ आशा। जी अंकल। भाई दिल्ली से तुम्हारे पिताजी का टेलीफोन आया था, मैंने उनसे कह दिया है जब तक मेरा भांजा विलायत से डॉक्टरी पास होकर नहीं लौटेगा उस वक्त तक तुम यहीं रहोगी। इसके बाद भी तो यहीं रहेगी, इस घर की बहू बनकर। शर्मा जी, मंगनी तो हो चुकी है, बस डॉक्टर के आते ही फौरन शादी। मैं कहता हूँ लड्डू खाने की तैयारी कीजिए शर्मा जी, लड्डू खाने की। सिर्फ लड्डुओं से काम नहीं चलेगा सेठ जी, साथ दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। दक्षिणा? पिताजी जो थोड़ी बहुत पूंजी छोड़ गए थे वो देश विदेश घूमने में समाप्त हो गई, क्योंकि अपने पाँव में कुछ ऐसा चक्कर है कि एक स्थान पर टिक ही नहीं सकता। वो तो सब ठीक है शर्मा जी, लेकिन घोड़ा कहाँ है? घोड़ा? मुझे क्या मालूम? शंकर, अबे कांप क्यों रहा है? कितनी मर्तबा तुझसे कहा गया अपनी नजरें भी साथ पे लगा कर। देखा 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 शर्मा जी, सब गड़बड़ कर दी, वरना आप हार गए। अरे आप तो हमेशा यही कहते हैं। एक, दो, अरे ये तो क्या गिन रहा है? तनख्वाह के रुपए माँ, ये ले 70 रुपए घर खर्च के लिए, और 20 रुपए मैं अपनी पेटी में जमा करता हूँ। लालू हा? ये इतनी जल्दी तनख्वाह कैसे मिल गई? फिर कहीं नौकरी तो नहीं छूट गई? माँ तेरे बेटे की तकदीर ही कुछ ऐसी है कि 2 महीने से ज्यादा नौकरी नहीं टिकती और 2 रोज से ज्यादा वो बेकार नहीं रहते। बस माँ रख दे मेरे सर पर अपना हाथ और दे दे आशीर्वाद। जा भगवान बद्रीनाथ के पांव पर। मातृ आज्ञा यानी कि भगवान की आज्ञा। जय बाबा बद्रीनाथ। और जरा जल्दी आकर खाना खा लेना। आ गया बेटा, बैठ। देख चंपा ने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं तेरे लिए, खा। आ जा बेटा। कौन? रज़ाक बेटा? जी हाँ माँ जी। ये कहाँ की शराफत है कि सामने से थाली खींच लिया आपने? और ये कहाँ की शराफत है कि चोरों की तरह आप मेरी थाली पर हाथ साफ कर रहे हैं? माफ कीजिए, थाली मुझे माँ जी ने दी थी। माफ कीजिए, थाली मेरी है। अरे अरे तू कौन सा दूसरा है, ले तेरे लिए भी थाली है। मगर माँ जी आप? तू मेरी फिक्र मत कर, मेरे लिए बहुत खाना है। लिखा उधर 2-2 हो जाएंगी। अच्छा हजरत ये तो बताइए कि काम काज कैसे चल रहा है, कुछ तरक्की वरक्की हुई? काफी तरक्की। अच्छा, अरे वाह, छूट गई नौकरी। नौकरी छूट गई? चलो ये बहुत ही अच्छा हुआ। मेरा मतलब है 2 दिन आराम भी मिल जाएगा, इसके बाद इससे अच्छी नौकरी लग जाएगी इंशाल्लाह। रज़ाक बेटा तुम्हारा काम काज कैसे चल रहा है? बिल्कुल बर्फ माँ जी, खुदा गारत करे इन औरतों को, जब से गाना शुरू किया है मर्द कव्वाल को तो कोई पूछता ही नहीं है। कभी कभी अपनी बेगम को भी ले आया करो। किसका नाम ले लिया माँ जी, एक लुकमा तो पेट में जाने दिया होता। सच कहता हूँ उसका नाम लेते ही खाना हराम हो जाता है। इतना डरते हो बेगम से? क्या कहा, मैं और बेगम से डरता हूँ? अम्मा जब मुझे जलाल आता है ना तो डर के मारे कांपने लगती हैं। आज सुबह का ही फिक्र, जरा आकड़ी तो मैंने ली लकड़ी। हाँ हाँ फरमाइए, खामोश क्यों हो गए? जी वो मैं जरा वो पड़ोसियों का फिक्र कर रहा था। देखा माँ जी जरा धुनी तो और फरिश्ते मौजूद, आपने याद किया और हाजिर हो गई। आदाब करो ना माँ जी। आदाब। जीती रहो बेटा। माता जी मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ। अरे वाह साड़ी, इसका मतलब ये कि कव्वाली का प्रोग्राम का एडवांस। हाँ वेरी गुड। मगर भाभी जान 1 महीना भी नहीं हुआ आप माँ के लिए साड़ी लाई थी। देखिए हम आपके लिए कुछ लाए ना तब आप कह सकते हैं। माता जी जैसे आपके लिए वैसे हमारे लिए। आया ख्याल है शरीफ में? बिल्कुल। क्यों रे दिल्ली वाली, लग गई बम्बई की हवा? नहीं नहीं, उस कमबख्त ने इतनी जोर से कलाई पकड़ी कि अब तक दर्द हो रहा। दर्द की दवा कर दूं? जी हाँ कर दीजिए। मतलब समझी, लव है फर्स्ट साइट। अच्छा यानी कि आंख मिली और दिल दे बैठे। क्यों रे, ऐसे कौन से सुरखाब के पल लगे हुए हैं? देख आशा, तू इन मामलों में अभी बच्ची है। अच्छा भूत, खूबसूरत है ना? है, खूबसूरत है और मालदार भी। मालदार भी है तो फिर और क्या चाहिए? कुछ? Are you really serious? 100%। तब तो ठीक है, अगर आइंदा कभी मुलाकात हो गई ना तो तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूंगी। अमा काली चारे नंबर मियाँ कहाँ मिला रहे हो ढोलक को? अजीब आदमी हो। क्या मुसीबत है बेगम, ये मुर्गियों को संभालो वरना बिल्ली। और अरे नालायक इनकी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। और रज़ाक मियाँ, आज कैसे याद फरमाया मुझे? भाई दोस्त का एक आज काम करना है तुमने। शाद दोस्त के लिए तो जान हाजिर है। ऐसा आज अपनी कव्वालिये सेठ गोपाल दास के यहाँ ठीक 7:30 बजे तुमको ये शेरवानी पहनकर वहाँ पहुँचना है। हा? करेक्ट 7:30 बजे। और ये रहे नोट, एक एक करके देना शुरू कर देना। तुम्हारे देखा देखी और लोग भी शुरू हो जाएंगे, महफिल गर्म हो जाएगी। जवाब नहीं। और ये रहा तुम्हारा दावतनामा। श्री निर्मल कुमार रईस आजम। श्री निर्मल कुमार रईस आजम। हाँ तुम बड़े फ्रॉड हो। फ्रॉड नहीं, आजमूदा उस्तादी नुस्खा है। ये निर्मल कुमार रईस आजम, गेस्ट ऑफ ऑनर। ये महाशय कौन है? इनका नाम तो पहले कभी नहीं सुना। ये महाशय रज्जाक कवाल के दिलदादा हैं। उनका कोई प्रोग्राम वो मिस नहीं करते। सुना है बहुत ही जिंदा दिल, दरिया दिल, फराक दिल और जाने क्या क्या दिल है। मीना, तब तो दिल को संभाल के चलना। जिसके पास दिल हो वो संभाल कर हुस्न की रंगीन महफिल में खुशी से मुस्कुराओ तुम, मगर ये सोच लो दिल में। क्या? यही तो कि इश्क वालों पे जमाने की नजर होती है। 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 दिल धड़कता है, हाय हाय, वो दिल धड़कता है तो दुनिया को खबर होती है। दिल धड़कता है तो दुनिया को खबर होती है। इश्क वालों के जमाने की नजर होती है। हुस्न और इश्क का अंजाम खुदा खैर करे। हुस्न और इश्क का अंजाम खुदा खैर करे। आज टकराए हैं दो जाम खुदा खैर करे। आज टकराए हैं दो जाम खुदा खैर करे। आशिकी जोश में है, बेखुदी होश में है। इश्क मजबूर नहीं, हुस्न भी दूर नहीं। आरज़ू में है जवां, दिल से उठता है धुआं। चोट सहते ना बने, मुँह से कहते ना बने। आज है गर ये नशा, जाने कल रंग हो क्या। आज है गर ये नशा, जाने कल रंग हो क्या। इसीलिए तो कहा है हुस्न और इश्क का अंजाम खुदा खैर करे, हुस्न और इश्क का अंजाम खुदा खैर करे। आज टकराए हैं दो जाम खुदा खैर करे, आज टकराए हैं दो जाम खुदा खैर करे। लेकिन देखना ये है आज टकराए हैं दो जाम खुदा खैर करे, देखना ये है कि आवाज किधर होती है, देखना ये है कि आवाज किधर होती है। दिल धड़कता है तो दुनिया को खबर होती है, इश्क वालों पे जमाने की नजर होती है। समझे न कोई दिल को लगा कर जीना, दिल समझे न कोई दिल को लगा कर जीना। गम के शोलों से सलामत नहीं रहता सीना, गम के शोलों से सलामत नहीं रहता सीना। प्यार एक आग भी है, रंग भी राग भी है, रास आता है कहीं, दिल जलाता है कहीं। दिल में हिम्मत है अगर फिर है किस बात का डर, कारवां यूं ही चले कोई जलता है जले। जलने वालों को यहाँ दिल की पहचान कहाँ, और जलने वालों को यहाँ दिल की पहचान कहाँ। इसीलिए तो कहा है खेल समझे न कोई दिल को लगा कर जीना, खेल समझे न कोई दिल को लगा कर जीना। गम के शोलों से सलामत नहीं रहता सीना, गम के शोलों से सलामत नहीं रहता सीना। हुजूर सच तो ये है कि इश्क में जिंदगी, गम के शोलों से सलामत नहीं रहता सीना। इश्क में जिंदगी जल जल के बसर होती है, इश्क में जिंदगी जल जल के बसर होती है। दिल धड़कता है तो दुनिया को खबर होती है, इश्क वालों इश्क वालों पे जमाने की नजर होती है। आँखों आँखों में जो उल्फत की कसम खाते हैं, आँखों आँखों में जो उल्फत की कसम खाते हैं। आँखों आँखों में जो उल्फत की कसम खाते हैं, वाकई उनके मुकद्दर भी चमक जाते हैं, वाकई उनके मुकद्दर भी चमक जाते हैं। इन बहारों की कसम, इन नजारों की कसम, हुस्न कातिल ही सही, प्यार मुश्किल ही सही। फिर भी एक बात तो है, एक मुलाकात तो है, जज्बाए दिल की कसम, रंगे महफिल की कसम। मुझको पहचान है ये, मेरा ईमान है ये, मुझको पहचान है ये, मेरा ईमान है ये। क्या आँखों आँखों में जो उल्फत की कसम खाते हैं, आँखों आँखों में जो उल्फत की कसम खाते हैं। वाकई उनके मुकद्दर भी चमक जाते हैं, वाकई उनके मुकद्दर भी चमक जाते हैं। वाकई उनके मुकद्दर भी चमक जाते हैं, क्योंकि इश्क पर चांद सितारों की नजर होती है, इश्क पर चांद सितारों की नजर होती है। दिल धड़कता है तो दुनिया को खबर होती है, इश्क आपका पर्स। सेफ्टी फर्स्ट, कहीं आपका हाथ फिर न उठ जाए। छोड़िए मेरा हाथ, कोई देख लेगा। इस तरह पे ठहरिए, इस संडे को मिलिएगा शाम के वक्त ड्यूटी पॉइंट। देखिए आपने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, आप बड़े वो हैं। गुस्से में कितनी हसीन लगती है आप, और जब शर्माती है तो उससे भी ज्यादा, और जब मुस्कुराती है तो उससे भी ज्यादा। जाने दीजिए ना, संडे को मिलिएगा ना। देखिए कोई देख रहा है। अरे वाह क्या बात है, इतवार का वादा पक्का। ये किससे वादा कर रहे थे? कौन? मैं को। चलो सीधे घर चलो। अच्छा चलो। लालू क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। माँ आज मैं एक बहुत बड़ी नौकरी की कोशिश में जा रहा हूँ, कुछ रुपए बचे हैं। रुपए? हाँ। 40 रुपए तो कल दाने वाला ही ले गया, और 20 रुपए घर के किराए के दे दिए। माँ हिसाब कौन मांग रहा है माँ, कुछ बचे हैं तो दे दो मुझे। 5 रुपए वो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए चाहिए। मेरे पास तो ये 2 रुपए बचे हैं, लेकिन बेटा अगर ऐसी ही जरूरत है तो पेटी में से क्यों नहीं निकाल लेता? फिर पेटी का नाम लिया। दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर मैं उस पेटी में से एक कौड़ी नहीं निकालूंगा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये रुपया मैं तुम्हारे आंखों के ऑपरेशन के लिए जमा कर रहा हूँ, और वो ऑपरेशन विलायत के सिवा और कहीं नहीं हो सकता। जानती हो माँ, वहां के डॉक्टर आंखों की पुथिया तब्दील कर देते हैं, जिससे अंधों की आंखों में रोशनी आ जाती है। माँ भगवान ने एक बेटा दिया, वो भी पगला, बिल्कुल पगला। इतना नहीं समझता कि माँ की आंखों की रोशनी होती है उसका बेटा। मेरे इस रोशनी के होते हुए मुझे अब और किसी रोशनी की जरूरत नहीं। मेरा लाल आई चंपा, चल हट, मुझे जाने दे। आखिर कब तुम मेरी प्रार्थना सुनोगे भगवान? मेरी माँ की आंखें ठीक कर दो प्रभु, मेरी माँ की आंखें ठीक कर दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उनकी आंखों में रोशनी आते ही फौरन बद्रीनाथ धाम पहुंचकर तुम्हारी मंगल मूर्ति के दर्शन करूंगा। मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन लो। कौन है? आई बला को डाल दो, जले जलाल दो, आई बला को डाल दो। सॉरी फॉर योर पसली। हाँ वेरी सॉरी। वाह वाह, अरे पसली गायब हो गई, ढूंढो। संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर, चंदा से चकोर भला कैसे रह दूर। संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर। संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर, चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर, संग संग रहेंगे तुम्हारे जीव दूर। चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर, संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर। काली काली जुल्फ गोरा गोरा ये बदन, चेहरे पे निखार जैसे खिला हो चमन। काली काली जुल्फ गोरा गोरा ये बदन, चेहरे पे निखार जैसे खिला हो चमन। तुम्हारी ये अदाएं ये गुरूर, चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर, संग संग रहेंगे तुम्हारे भी हुजूर। चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर, संग संग रहेंगे तुम्हारे भी हुजूर। कहीं भूल नहीं जाना, जरा वादे को निभाना तुम्हें प्यार की कसम। जरा वादे को निभाना तुम्हें प्यार की कसम। तुम जो कहोगे पिया हमें मंजूर, चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर, संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर। चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर, संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर। आइए ना, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। माफ कीजिएगा, आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। आशा, दरअसल इनसे रास्ते में यूं ही मुलाकात हो गई और आप मुझे यहाँ खींच लाए। खींच लाने की कशिश बहुत ज्यादा है इनमें, जरा होशियार रहिएगा। निर्मल बाबू, निर्मल बाबू आप जरा बैठिए, मैं डैडी को भी बुला लाती हूँ। आइए ना। कुछ नहीं, बहुत कुछ। जरूर जरूर, जब वो इतने बड़े आदमी हैं तो मैं जरूर मिलूंगा। शर्मा जी जरा चाल चलिए। मेरे डैडी श्री निर्मल कुमार रईस आज़म। बेटा ये कोई कहने की बात है, रईस तो फिर रईस ही होता है। रईसों का रहन सहन रंग ढंग सब कुछ निराला होता है। आप तशरीफ रखिए, बैठिए ना, बैठिए ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि शतरंज का शौक तो आपको होगा ही। बेटा कुछ इनकी खातिर तवाज़ो करो। शंकर, अरे मेरा मुँह क्या देख रहा है, खातिर की जाए। अजी मेरी भी तो कुछ सुनिए। हाँ सुनाइए। सेठ साहब, न तो मैं निर्मल कुमार हूँ न रईस आज़म। क्या कहा? जी हाँ, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरा नाम है राजेश, ग्रेजुएट जरूर हूँ लेकिन आजकल बेकार, नौकरी की तलाश में। किसकी तलाश है? नौकरी की तलाश। शंकर, बहादुर सिंह, मुनीम जी, अरे सब कहाँ मर गए? खामोश, तुम चुप रहो। आ गए तुम लोग? बेटी मीना हटो। देखो आज से ये हमारे सेक्रेटरी हैं मिस्टर राजेश। आज से घर का सारा कारोबार इनके हाथ में, लेन देन इनके हाथ में। अगर कोई हमसे मिलने आएगा तो इनके जरिए। जाओ। शाबाश बेटा, मुझे तुम्हारे जैसे साफ गो आदमी की जरूरत थी। कल से तुम काम पर आ जाओ। है? बेटी मीना, इन्हें 1 महीने का एडवांस दे दो। 300 रुपए कम है, 400 रुपए दे दो। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। जाओ। आइए मेरे साथ। जाओ। आइए ना। माँ, माँ माँ इधर बैठ, रख दे मेरे सर पर अपना हाथ और दे दे आशीर्वाद। क्या हुआ बेटा? क्या नहीं हुआ ये तो पूछ। तेरे बेटे की नौकरी लग गई है माँ, तेरे बेटे की नौकरी लग गई है। 400 रुपए माहवार और 1 महीने की तनख्वाह पेश की। ये है तुम्हारे लिए, ये कहा गया भाई, ये रज़ाक और भाभी जान के लिए और ये चंपा के लिए। और माँ हे भगवान तेरा शुक्र है। माँ ये 200 रुपए रख ले घर खर्च के लिए और बाकी मैं बेटी में जमा करता हूँ। माँ ये रुपए कहाँ गए? बोलो ना माँ, इतने बरसों से मैं इसमें रुपए जमा कर रहा हूँ, ये सब कहाँ गए? खर्च हो गए। खर्च हो गए? क्यों हो गए? कैसे हो गए माँ? बस हो गए। कैसे हो गए? कैच कर मुझे हिसाब देना पड़ेगा, मुझे इतना भी अधिकार नहीं। तुम्हें सब अधिकार है माँ, तुम्हें सब अधिकार है, मगर वो रुपए रुपए नहीं थे, तुम्हारे बेटे के अरमान थे, ऐसे अरमान जिन्हें पूरा करने के लिए उसने अपनी सारी जिंदगी की बाजी लगा रखी थी। सबकी माँ अपने बेटों को देखती है, फिर मुझे देखने के लिए तुम्हारे दिल में ख्वाहिश क्यों पैदा नहीं होती? कैसी माँ हो तुम? कैसी है तुम्हारी ममता? लालू तुम ममता देखना चाहता है माँ की, चल मेरे साथ। ये क्या है माँ? ये है मेरे अरमान, इस घर की होने वाली बहू के गहने और कपड़े। माँ माँ बहू तो कोई ना कोई आ ही जाएगी, गहने कपड़े भी पहन लेगी, मगर ये सब देखने के लिए आंखें भी तो होनी चाहिए। अरे बेटा दिल की मरीज है तेरी माँ, न जाने कब दौरा पड़े और कब ये आंखें बंद हो जाए। फिर बंद होने वाली आंखों को बरस दो बरस के लिए झूठी रोशनी देने से क्या फायदा होगा? माँ जो कुछ मुझे देखना चाहिए वो सब कुछ तो मैं देख रही हूँ। देख देख दूर एक छोटा सा घर है, घर की छत पर एक छोटा सा चौबारा, चौबारे में मेरा चांद सा बेटा और चांदनी सी बहू दोनों बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आंगन में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और आकाश से भगवान बद्रीनाथ सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सब कुछ तो मैं साफ साफ देख रही हूँ। मैं सब देख रही हूँ। अब बात बनी, बिल्कुल शहजादे मालूम हो रहे हैं। क्यों? हा? मैं फौरन ड्रेस चेंज करके आती हूँ फिर चलेंगे। मगर दिन के वक्त ड्रेस सूट पहन के, कल्चरल लीग का फंक्शन तो रात को है। पहले कहीं घूमेंगे और वहाँ सीधा फंक्शन में चले जाएंगे, ड्रेस चेंज करने का वक्त ही कहाँ मिलेगा। हा? मैं भी आई। आशा, 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 आशा। क्या है? कुछ नहीं, संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर। संग संग रहेंगे, जो भी लड़की मिलती है उसके साथ यही गाना गाती हूँ। आशा मेरे यकीन करो, मेरा मीना से कोई लगाव नहीं। अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो सिर्फ तुमसे, तुमसे आशा। जब कोई लड़का झूठ बोलकर किसी लड़की को मनाता है तो बड़ा ही दिलचस्प मालूम होता है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ आशा। आशा, आशा। और जब खुशामद करता है तो और भी दिलचस्प मालूम होता है। नॉनसेंस। वो जब रूठ जाता है तो कितना प्यारा मालूम होता है। You naughty girl। अरे क्या करूं? इसलिए मुझे यहाँ घुमाने लाए थे? शर्म नहीं आती? चुटकी लेने से पहले देख तो लिया करो बेगम क्या मामला क्या है। अरे ये तो भाईजान है। हाँ, आओ। भागी क्यों? डर गई थी। किससे? दीवाने की दीवानगी से। आशा तुम तो इन्हें जानती हो, और ये है इनकी बेगम साहिबा हमारी भाभी जान। आशा देवी। ठहरो ठहरो ठहरो, तखलिया बेगम जरा, इसलिए कि दोनों तरफ बातचीत जरा तफसील में हो सके। बड़े भाई जरा अरे नहीं नहीं, ये तो दिल्ली की रहने वाली है, वो है इसकी सहेली मीना। अच्छा तो दो के चक्कर है। खैर बात कहाँ तक बनी? बात तो सब ठीक ही है रज़ाक, मगर एक मुश्किल है यार। वो क्या? माँ को मनाना, वो है पुराने ख्यालात की। तुम फिक्र मत करो, नियत साबित मंजिल आसान। सच? अच्छा रज़ाक, हमें एक फंक्शन में जाना है। अच्छी बात है। ओके बेगम। भाईजान के लिए लड़की अच्छी है। अच्छा आ जाओ आ जाओ। नौकरी लग गई है, फिर आप क्यों उनकी शादी में देर कर रही हो? देर तो बस लड़की की है बेटी, कहीं कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो। कौन? रज़ाक बेटा। जीते रहो जीते रहो। खड़ी खड़ी कहाँ देखा तो चरण छुआ माता जी के। सुखी रहो बेटी। रज़ाक बेटा, कौन है ये लड़की जिसकी आपको तलाश थी? इसका नाम है मन्नो। जौनपुर के हमारे दोस्त है ठाकुर साहब, क्या नाम है ठाकुर साहब का? जालम सिंह। जालम सिंह इकलौती बेटी है। भैंस कितनी है? दुई पांच भैंस। दुई पांच? अरे दुई बीस पांच। हाँ, है दुई बीस पांच भैंस। हाँ, वो कोठी तीन थे। कोठी सुना आपने? तीन जत रहे एक थे उन्हें, तीन जत रहे एक थे उन्हें। समझ गई माँ जी, ये यहाँ अपने मामा से मिलने आई थी, मुझे मिल गई, मैं यहाँ लेकर आ गया। सच कहता हूँ माँ जी, सूरज शक्ल की ऐसी है कि चिराग लेकर ढूंढोगे ना तो नहीं मिलने वाली। ये बात तो ठीक है मौसी, लड़की इतनी खूबसूरत है कि भैया देखते ही लट्टू हो जाएंगे। बस ठीक है बेटी, जरा लालू देखकर पसंद कर ले। लालू बेटा। आया माँ। घबराए जिन मन्नो, जौन कुछ पूछे उसका जवाब बराबर दिया। तू फिक्र नहीं कर। माँ कौन है ये? मन्नो तू भीतर जा। रज़ाक लाया है, मुझे लड़की पसंद है। क्या? तू भी देख के पसंद कर ले। माँ लालू। अच्छा, तो आप लेकर आए हैं इसे? जी हाँ। कोई गुनाह किया है मैंने? नहीं, बहुत एहसान किया। और नहीं तो क्या, चावल चुनने के लिए पड़ोस में जाना पड़ता है। माँ तुम किसके चक्कर में आ रही हो? जिसकी आदत है तो मजाक करने की। नहीं लालू, बहु बेटियों के मामले में मजाक नहीं हुआ करता। मगर माँ मेरी बात तो सुनो। तू जाके देख ले बेटा। माँ। लालू तू जा। जा लालू। जाइए जाइए। छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ, ये क्या बेइज्जती है? काहे के खड़े हो बाबू, बैठा बैठा ना। मैं नहीं बैठता। ऐसा काप का सुर हमसे हो गया बाबू, जो हमरे पास आवे खातिर तैयार नहीं। बोला बोला। दूर से, मुझे कुछ नहीं बोलना है। आप फरमाइए, आप क्या चाहती हैं? हमें अपन जाके बता लो बाबू। गेट अप, यानी कि खड़ी हो जाओ। बोलो बोलो। का बोलूं बाबू, तू तो हमसे दूर भागत है। तनी हमारे पास आओ, इसका प्यार की बात करो बाबू। आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, मेरा गुस्सा बहुत खराब है, सब बहुत खराब है, जाने दो मुझे। नहीं बाबू ऐसे नहीं, पहले तो हमार घूंघट उठा के चेहरा देख, ओके बाद हम तोरे मुंह में पान का बिड़वा दे, फिर तो हमरे मुंह में बिड़वा दे। बिड़वा? What is this बिड़वा? गवार तो बाबू, हम अनपढ़ जरूर है बाबू, पन गवार नहीं। हम तो सब किस्म से रिझाई, फिल्म वालिन की तरह नखरा करे, नाचे गायब टुमुक टुमुक टुमुक। लालू लड़ गई हो तो मधुमामा भाग गया, शर्मा गया है। मुंह देखा या नहीं भैया ने? नहीं देखा। कोई बात नहीं रज़ा बेटा, कल फिर इसे ले आना। माँ जी मैं तो कहता हूँ अब इसे घेर घार के शादी कर ही डालो, वरना पानी सर से गुजर जाएगा। वही करती हूँ, वही करती हूँ। चलो चरण छुओ माँ जी के। जीती रहो बेटा। अच्छा माँ जी, चावल चुन दिए मैंने, चला। हाँ तक तुम्हारी कटकट जारी है, चलो जल्दी करो वरना पिक्चर शुरू हो जाएगी। चलो ना। नहीं नहीं जी नहीं, मुझे जिस काम के लिए रखा गया है मैं वही कर रहा हूँ। तुम्हें किस काम के लिए रखा गया इसका फैसला करना तुम्हारा काम नहीं। मीना, अगर मुझे तुम्हारे साथ घूमने फिरने और पार्टियों में शामिल होने के लिए ही रखा गया है तो मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए। अगर तुम्हें घूमना फिरना इतना ही नापसंद है तो आशा के साथ क्यों घूमते हो? सिंपली बिकॉज आई लव, मुझे उससे मोहब्बत है। आज बरसों के बाद मेरी तमन्ना पूरी हुई। क्यों रे चंपा, कैसी लग रही है? बस पूछिए ना मौसी, एकदम लक्ष्मी का अवतार मालूम होती है। दा 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 दा। मेरा लालू आ गया है, तुम लोग नहीं ठहरो, मैं भी आती हूँ। घूंघट घूंघट जल्दी से। लालू। माँ। यहाँ जरा बैठ मेरे पास। क्या बात है माँ? देख लालू, तेरी माँ का हाथ तेरे सर पर है, बता तो अपनी माँ को कितना प्यार करता है। ये भी कोई पूछने की बात है माँ? मैं अपनी माँ को इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि बस समझ लो कि मेरी माँ ही अपना भगवान है। तो अपनी माँ की आज्ञा टालेगा तो नहीं? कभी नहीं माँ। तो फिर मन्नू से शादी कर ले। मन्नू? कौन मन्नू? मन्नू अच्छा वो जाहिल गवार जिसे रज़ाक ले आया था। नहीं नहीं माँ, मुझसे ये नहीं हो सकता। लालू, तूने मुझे वचन दिया है। ठीक है माँ, तुम समझने की कोशिश करो, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तेरी अगर जिंदगी और मौत का सवाल है तो मेरी भी जिंदगी मौत का सवाल है। चल कहाँ तक चलता है। चंपा, लाना जरा मन्नू को यहाँ। मेरी तो खैर आंखें नहीं, लेकिन मन्नू को रजाक ने देखा है, चंपा ने देखा है, सब उसकी तारीफ करते हैं, और तू बगैर देखे यूं अनाप शनाप बके चला जाता है। देख देख मेरी होने वाली बहू को। क्या सोच रहे हो? कर दो इनकार, हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं। चलो मनो कर चले। देख लिया मौसी, मैंने कहा था ना, चल गया ना रूप का जादू। मैं राजेश के मुंह से सुनना चाहती हूँ, बोल क्या बोलता है। तुम्हारी आज्ञा भगवान की आज्ञा है माँ। जीते रहो, जाओ दोनों जाकर भगवान बद्रीनाथ के पांव पड़ो। ठीक है माँ। शादी के बाद दोनों की बद्रीनाथ के दर्शन करने ले जाना। हाँ माँ, तूने मेरे मन की बात कही है। कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ? वही जो हमेशा कहती थी। हमेशा क्या कहती थी? दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, हाजिर हूँ कोई तेरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। लग जाए आपको ना किसी की नजर कहीं, लग जाए आपको ना किसी की नजर कहीं, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए, हाजिर हूँ कोई तेरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। बनेगी न कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए, हाजिर हूँ कोई तेरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। इस दिल का फैसला एक बार कर ही दीजिए, इस दिल का फैसला रह रह के यूं निगाह के खंजर ना मारिए, रह रह के यूं निगाह के खंजर ना मारिए, हाजिर हूँ कोई तीर नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। राहुल जल्दी चलो गाड़ी। देखो ठीक वक्त पर पहुंच गया। मैं तो समझी थी। क्या समझी थी? बगल मिले ही जाना होगा। अजी वाह, ये कैसे हो सकता, संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर। आशा दिल्ली तो जा ही रही हो, लेकिन फर्ज करो तुम्हारे पिताजी अगर मुझ जैसे गरीब के साथ तुम्हारी शादी करने से इनकार करते तो पिताजी को मनाना मुझे आता है, मुंह फुला के बैठ जाऊंगी तो खुद ही मान लेंगे। राजेश नहीं पिताजी नहीं। देखो बेटी, अगर वो गरीब है तो मैं उसे रुपए दे सकता हूँ, पढ़ा लिखा और काबिल है तो उसे नौकरी दिलवा सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी नहीं दे सकता। पिताजी तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। मैं द्वारका दास को क्या मुंह दिखाऊंगा, और डॉक्टर साहब जब विलायत से वापस लौटेंगे उनको क्या जवाब दूंगा। आशा, आशा बेटी, अरे तू रो रही है? इतनी बड़ी हो गई, तेरा बचपन आने गया। हाँ हंसो। अच्छा कान पकड़ो और वादा करो आइंदा किसी बात पर जिद नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। ठीक है, मैं आज ही उस लड़के को देखने के लिए बंबई रवाना हो जाता हूँ। हाँ, हमारे भांजे साहब बोल रहे हैं। अरे भाई मीना तुम्हें नहीं मिली, वो तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट गई है। मामा जी मैं सेंटा क्रूज एयरोड्रोम से नहीं, पूना से बोल रहा हूँ, अपने दोस्त श्याम सुंदर के मकान से। बंबई में वेदर खराब होने की वजह से हवाई जहाज पूना में लैंड हो गया। ओह शर्मा जी चल चलिए। हाँ तो मिस्टर राजेश लो मीना भी आ गई। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। मामा जी आपका भांजा आई स्पेशलिस्ट होकर आया है, अब आप फॉरन आंखों के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल खोलने का इंतजाम कीजिए। हाँ जरूर जरूर। हाँ तो आज शाम को ठीक 7:30 बजे आप 35 प्रिंसेस स्ट्रीट सेठ रामदास के मकान पर पहुंच जाइए और वहां से नकद 1 लाख रुपया लेकर। अरे भाई मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, और ये 1 लाख रुपए की जो बात है ना, ये तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए नहीं है बल्कि ये हमारे बिजनेस के सिलसिले की बात है। ओहो, मैं समझा कि आप मुझसे कह रहे हैं। हाँ खैर छोड़ो, और ये बताओ कि तुम यहाँ कब पहुँच रहे हो? बस मामा जी मैं फौरन ही अपने दोस्त श्याम सुंदर की गाड़ी में बंबई पहुँच रहा हूँ, शाम को 7-8 बजे तक पहुँच जाऊंगा। ओके थैंक यू। 1 लाख रुपए का इंतजाम हो गया? हुआ तो नहीं लेकिन हो जाएगा। आप फौरन मेरी रवानगी का इंतजाम कीजिए, मुझे बहुत जल्द बॉम्बे पहुँचना है। बहुत अच्छा। 35 प्रिंसेस स्ट्रीट सेठ रामदास। नमस्ते सर जी। आइए मिस्टर राजेश, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मिस्टर मल्होत्रा जी वो रुपये ले आइए। अच्छा जी। वो कागजात दीजिए। जी हाँ ये लीजिए। ये लीजिए 1 लाख रुपये। मिस्टर राजेश गिन लीजिए। आपने तो गिन लिया होगा, एक बार फिर भी गिन लीजिए। अच्छी बात है। मिस्टर मल्होत्रा जी ये कागजात अंदर सेफ में रख दीजिए। अच्छा अच्छा मिस्टर राजेश बताइए आप गाड़ी लाए हैं या मैं अपनी गाड़ी भेज दूं? शुक्रिया मेरे पास गाड़ी है। सेठ जी, सेठ जी खून, सेठ जी का खून हो गया। में खूनी राजेश ही था। हाँ, उसके सिवा कमरे में कोई था ही नहीं। अरे मैंने खुद उन्हें बैग लेके भागते हुए देखा है। हाँ चलो चलो, वो भागने नहीं बाहर। Don't try to look. गजब हो गया ना साहब, गजब हो गया। तो वो तुम घबरा रहे क्यों? अरे सेठ जी ने मुझे रामदास जी का ₹1,00,000 लेने भेजा था। वहाँ किसी ने रामदास जी का खून कर दिया और पुलिस मेरे पीछे। लेकिन पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है और तुम वहाँ से भागे क्यों? अरे कातिल ने दूसरी गोली मुझ पर चलाई, नहीं भाग जाता तो क्या करता। रज़ाक मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम माँ को संभालना, उनको ये पता ना लग जाए कि मुझ पर खून का इल्जाम लगा है, वरना उसका हार्ट फेल हो जाएगा। प्लीज तुम जाओ, बेगम तुम अंदर। पकड़ लिया, पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया। क्यों मल्हार, मैंने ठीक कहा था ना कि और इसी तरफ भाग के आया। चलो अंदर। पकड़ लिया, जरा मौका मिला बाहर। एक मिनट अंदर नहीं रुकता क्यों मैं? किधर है वो? ये देखिए, ये देखिए, एक ही बचा है, 3 को भी ले गया। मैं पूछ रहा हूँ वो खूनी कहाँ है? कौन? बिल्ला, पड़ोसी का था। हो पागल कहीं का। हवलदार वो आया तो इधर ही था। चलो बाहर तलाश करें। इंस्पेक्टर साहब, बिल्ले को भी तलाश कर लेना, पूरे मोहल्ले की मुर्गी खत्म कर दी उन्होंने अपने। नमस्ते जी। करो बेटा जी, करो। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मामा जी। ये बताओ कि तुम तो 2 महीने पहले आने वाले थे, ये 2 महीने की देर कैसे हो गई? बात यह है मामा जी कि मैं यहाँ सीधा थोड़ी आया हूँ। लंदन से पेरिस। अच्छा। और पेरिस से कायरो, और कायरो से आप लोग। ये आपका पाइप। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये मेरा पाइप नहीं है। आई स्मोक ब्रायर। तो फिर ये होगा। आई सी। मामा जी आप लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं? क्या कोई खून हो गया? मामा जी इंग्लैंड में हर 3 मिनट में एक खून होता है। बेटा बात दरअसल ये है कि वो जो मेरा सेक्रेटरी था ना, जिसे मैंने सेठ रामदास के पास ₹1,00,000 लेने के लिए भेजा था, उस कमबख्त ने उनका खून कर दिया और ₹1,00,000 लेकर चंपक हो गया। डोंट गेट एक्साइटेड, तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर साहब, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। बिल्कुल। खून शाम को 7:30 बजे हुआ होगा, जबकि सेक्रेटरी सेठ रामदास ने ₹1,00,000 लेने के लिए गया होगा। और मामा जी से आपको यह भी मालूम हो गया होगा कि ₹1,00,000 की बात मैंने टेलीफोन पर सुन ली थी। Yes. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पूना से दोपहर को निकला। मोटर के जरिए पूना से बंबई तक ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का सफर होता है, यानी कि मुझे यहाँ 7 बजे पहुंचाना चाहिए था और इस वक्त बजे हैं 10:30। खून का शक मुझ पर भी हो सकता है। और फिर मौके वारदात पर आपको एक पाइप मिला। यह आपको कैसे मालूम हुआ? वेरी सिंपल। अगर आपको पाइप वहां न मिला होता तो आप यहाँ मेरे पाइप की बजाय दूसरा पाइप बदल कर मुझको नहीं देते। हर चीज मेरे खिलाफ है। अच्छा तो आप ये बताइए कि खून किस वेपन से हुआ? पिस्टल से? जी। कहीं 38 बोर तो नहीं? 38 बोर पर। ये भी मेरे खिलाफ है, क्योंकि अगर आप मेरी तलाशी लेंगे तो आपको 38 बोर पिस्टल मिलेगा। ये लीजिए, आप इसका बैलिस्टिक टेस्ट कीजिए और अगर गोली इसी पिस्टल से चली है तो आप आकर मुझको गिरफ्तार कर लीजिए, मैं यही हूँ, वरना मेरा पिस्टल वापस कर दीजिए। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। मामा जी पुलिस की मदद करना हर शहरी का फर्ज है। ओके डॉक्टर, गुड नाइट। करना है गुड नाइट सेठ जी। मामा जी। हाँ। आशा नहीं दिखाई दी। आशा कहाँ? आशा वो तो दिल्ली चली गई। दिल्ली? हाँ हाँ दिल्ली चली गई। ओफो बेगम, अब रोने धोने से क्या फायदा है? मैं किसी बहाने जाकर माजी को यहाँ ले आता हूँ, वरना वो दिल की मरीज है। अगर पुलिस वहाँ पहुँच गई और ये मालूम हो गया उनको कि राजेश पर खून का इल्जाम है तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा। उन्हीं की फिक्र तो मुझे भी खाए जा रही है। बेटे के बगैर माँ की क्या हालत होगी? अब तो जो होना था सो हो गया। राजेश नहीं है तो क्या हुआ? रज़ाक तो अभी जिंदा है। रज़ाक बेटा, क्या हुआ मेरे लालू को? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? माँ जी, माँ जी। लालू नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रज़ाक बेटा मेरे लालू को लेके आओ। माँ जी, लालू, लालू कहाँ है तू? लालू, अरे लालू, अरे माँ जी बेहोश हो गई, जल्दी जाके डॉक्टर को लेकर आओ। जाओ जाओ, अरे माँ जी। अरे चलो भाई, स्टेशन आ गया, चाय तो पी ले। क्या बात है, कोई खास खबर है? बड़े गौर से पढ़ रहे। अरे भाई, बंबई में राजेश नाम के एक नौजवान ने एक सेठ का खून कर दिया है और 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जी, ये संदूक तुम्हारा? जी नहीं। क्या बात है? जल्दी में एक मुसाफिर से खंडवा में उतारना भूल गया था, किसी का तार आया। पुलिस, पुलिस, संदूक उतारो। वो खूनी नहीं, उसने खून नहीं किया। अगर उसने खून नहीं किया तो अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करता? आप नहीं समझते पिताजी, आप नहीं। मैं सब समझता हूँ बेटी, सब समझता हूँ। हो सकता है कि उसने वो खून ना किया हो, लेकिन उसने मेरी छोटी सी दुनिया का खून किया है। बाप बेटी की खुशी और उम्मीदों का खून किया। अगर इस पर भी तू उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहती है तो पहले मेरा गला घोंट दे, मुझे राह दे दे, ताकि तुझे कोई रोकने वाला ना रहे। पिताजी ऐसा मत करिए, पिताजी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। बेगम! हाय अल्लाह, ये माँ जी कहाँ चली गई थी? रास्ते से लेकर आ रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ आते हुए मेरी नजर पड़ गई। बेटा, मैं तो अपने लालू को मिलने जा रही थी, वो वहाँ अकेला है ना, मुझे बुला रहा था। माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हैं, चलिए चल के आराम करिए। कई बार कह चुका हूँ कि राजेश जरूरी काम से बाहर गया है, जल्द आ जाएगा। चलिए लेट जाइए, चलिए लेट जाइए और आराम करिए। तुमसे 1000 बार कहा है कि डॉक्टर ने माँ जी का हिलना जुलना बिल्कुल बंद कर रखा है। सुबह से इन्हीं के पास बैठी हुई थी, अभी अभी खाना बनाने अंदर गई थी। खाना पकाना सब भूल जाओ, यहाँ पर बैठो और माँ जी की रात दिन खिदमत करो, समझी? चंपा जी, तुम ये माँ जी की पेटी उधर संभाल के रख दो, और ये ऊपर की जगह जो मैंने खाली की है ना, इस जगह पर भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर बना दो। बद्रीनाथ कहाँ है भगवान? आप लेटे रहिए माता जी, ये रहे, लीजिए। भगवान, मेरा लालू मुझे दे दो, मेरे लालू को वापस कर दो भगवान। डॉक्टर, हमें अफसोस है कि हमने आपको तकलीफ दी। इस परफेक्टली ऑलराइट सर, आप अपना फर्ज अदा कर रहे थे। ड्रिंक सर। हैव अ ड्रिंक डॉक्टर। नो थैंक्स। आप भी तकल्लुफ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पीजिए ना। अगर आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है तो ये लीजिए। बात यह है डॉक्टर कि मौके वारदात पे जो उंगलियों के निशानात मिले हैं, उनमें से एक हाथ की उंगलियों के निशानात किसके हैं ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। वो उंगलियों के निशान मेरे हो सकते हैं जो इस गिलास पर आ चुके हैं, और या राजेश के। आप डिटेक्शन वर्क में काफी एक्सपर्ट मालूम होते हैं। दैट्स माई हॉबी। Besides, I am a student of forensic medicine. That's excellent. In that case, we might be requiring you again. Always at your service, sir. Good day. Good day. क्यों शर्मा जी, डॉक्टर साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो तुम्हारा ये डॉक्टर बहुत ही भयानक आदमी मालूम होता है। मेरा तो विचार है कि सेठ रामदास का खून भी इसी डॉक्टर ने किया है। लेकिन शर्मा जी, उस दिन उन्होंने खुद अपना पिस्तौल निकालकर पुलिस को क्यों दिया? यही तो चालाकी है। जिस पिस्तौल से सेठ रामदास का खून किया उसे छुपा रखा और कोई दूसरा पिस्तौल खुद ही निकाल कर दे दिया, ताकि तलाशी की नौबत ही ना आए। तो आज मैं उनकी तलाशी लेती हूँ। ना बिटिया ना, खुदा करे ये ऑपरेशन कामयाब हो। और जब राजेश भैया आए, यहाँ पर राजेश का नाम भूलकर भी जुबान पर मत लाना। क्यों? इसलिए कि ये डॉक्टर उसी सेठ का भांजा है जहाँ पर राजेश नौकरी करता था। तो क्या हुआ? वो सेठ की एक लड़की है जिसका नाम है मीना, बहुत तेज है। राजेश और आशा की मोहब्बत के बीच में यही तो दीवार बनकर खड़ी हो गई थी, इसलिए कि वो खुद भी राजेश को चाहती है। अच्छा, हाँ, अब अगर इन लोगों को असलियत का पता चल गया तो माँ जी को भी मालूम पड़ जाएगा कि उनका बेटा खूनी है और वो है हार्ट की मरीज। डॉक्टर, मैं कसम खाती हूँ, तुम ये समझ लो कि मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं डॉक्टर, तुम्हारा राज राज रहेगा, किसी को ये नहीं मालूम होगा कि तुम खूनी हो। डॉक्टर, डॉक्टर तुम खूनी नहीं हो डॉक्टर, तुम खूनी नहीं हो डॉक्टर। मीना, मुझे मालूम है कि तुम किस दिमागी परेशानी में मुब्तला हो। वैसे जो तुम सोच रही हो सही है। जी सही है? हाँ। क्या सही है? यानी कि मैं डाकू हूँ, खूनी हूँ, किलर, मर्डरर। देखो, इन चीजों को देखकर हर शख्स यही सोचेगा, लेकिन असलियत कुछ और है। बात सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के अंधे गरीबों के लिए एक आई हॉस्पिटल बनवाने के लिए मैंने लंदन में अपील की थी, जिससे जो कुछ हो सका उसने उसी वक्त दे दिया। ये घड़ियां, ज्वेलरी, नोट्स, तमाम चीजें। क्या सोच रहे? जी, मैं जाऊं? मैं जाती हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि राजेश मुलजिम नहीं है? जी हाँ, मेरी थ्योरी के लिहाज से तो नहीं है। मैं आपकी थ्योरी में बिलीव नहीं करता। प्लीज लेट अस बी पेशेंट अबाउट दिस। लेट अस हियर व्हाट मिस्टर राज हैज टू से। इस रामदास मर्डर केस में अचानक हमारी टक्कर एक ऐसे मुजरिम से हुई है जो इससे पहले भी लंदन, पेरिस और कैरो में कई खून कर चुका है। An international killer? Then let us do one thing. एक तरफ राजेश की तलाश जारी रखी जाए और दूसरी तरफ पेरिस की इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया जाए। ओके सर। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। उसकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। घबराइए मत सेठ साहब, भगवान पे भरोसा कीजिए। वैसे एक काम कर सकते हैं, फरमाइए, इन्हें हिल स्टेशन पे ले जाइए। हिल स्टेशन? ठीक है, मैं आज तो जोशी मठ जा रहा हूँ जंगलात के छीटे के सिलसिले में, इसे भी साथ ले जाऊँगा। बड़ी अच्छी जगह है डॉक्टर साहब, 7-8 हज़ार फुट की बुलंदी पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। गुड, वेरी गुड। माता जी। डॉक्टर बेटा, अगर तुम मेरी आंखें खुलवाना चाहते हो तो मेरे लालू को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। मैं अपने बेटे के सिवा किसी को देखना नहीं चाहती। माता जी, आप जरा आंखें खोल के तो देखिए कि कौन आपके सामने खड़ा है। खोलिए आंखें माता जी। तुम लोग? माँ जी, रज़्ज़ाक बेटा, बेगम आजा मेरे पास। मेरे बच्चों, तुम तो मेरे लालू से बढ़कर हो बेटा। तुमने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं। अब मेरे लालू को कहीं से ढूंढ के ला दो। मेरा लालू मुझे मिल जाएगा तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लालू भी मिल जाएगा माँ जी, आप फिक्र मत करिए बस। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरी रानी, मेरा बेटा। जन्म से अंधे की आंखों में रोशनी, मेरी माँ की आंखों में रोशनी आ गई। माँ, माँ मैं तुमसे मिलने मुंबई आता हूँ। माँ, मैं अर्ज ये कर रहा था कि राजेश की माँ का फोटो जो मैंने अखबार में छपवाया है वो इसलिए छपवाया है कि राजेश उस फोटो को कहीं ना कहीं तो देखेगा और फिर माँ से मिलने जरूर आएगा, और नहीं तो कम से कम एक खत तो जरूर लिखेगा। गुड आइडिया डॉक्टर, आप तो अच्छे खासे डिटेक्टिव मालूम होते हैं। अब सवाल यह है कि रज़्ज़ाक के घर पर वॉच रखना चाहिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मरीज की आंखें देखने के बहाने रज़्ज़ाक के घर मेरा आना जाना तो रह गई। दैट्स गुड। अच्छा तो अब मैं इजाजत चाहता हूँ। गुड डे। चलो जल्दी करो बेगम, अब यहाँ एक मिनट ठहरना भी खतरनाक है। क्यों, क्या बात है? बात फिर बताऊंगा, पहले यहाँ से निकलो। चलो उठो, चलिए माँ जी। अरे रज़्ज़ाक बेटा, ऐसी भी क्या जल्दी है? अपने डॉक्टर बेटा से तो मिल लेने दो। डॉक्टर बेटा से फिर बाद में कभी मिल लेना, वो तो अभी यहाँ से गए हुए भी है। अरे आप तो जाने वाले थे ना, गए नहीं? खैर कुछ नहीं, हम लोग जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने माताजी की आंखों के लिए दवाई तो दे दी है। वैसे मैं रोजाना विजिट भी करता रहूंगा, क्या जरूरत है? अब आंख तो बिल्कुल अच्छी हो गई, आने की कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे मिस्टर रज़्ज़ाक, मैं माताजी को अपनी माँ की तरह समझता हूँ। विजिट के बहाने माताजी के दर्शन भी हो जाया करेंगे। हाँ हाँ बेटा, तुम जरूर आया करना, ये मेरा फर्ज है। अच्छी बात, हम लोग चलते हैं। चलो 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 भाई, चलो चलो। अच्छा जयराम जी की। वन टिकट फॉर बॉम्बे प्लीज। हरी आप जरा ठहरिए। हाँ माँ जी, तो आपको कहाँ का टिकट चाहिए बेटा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाओगी? अच्छा। मेरी माँ की आंखें ठीक कर दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। उनकी आंखों में रोशनी आती ही फौरन बद्रीनाथ धाम पहुँचकर तुम्हारी मंगल मूर्ति के दर्शन करूंगा। मिस्टर खड़े खड़े आप क्या सोच रहे हैं? आपको बम्बई का टिकट चाहिए था ना? नहीं, मुझे बद्रीनाथ का टिकट दीजिए। बद्रीनाथ जी? लेकिन गाड़ी तो ऋषिकेश तक जाएगी, जोशी मठ तक बस, और उसके बाद पैदल। हाँ, तो ये टिकट लीजिए आप, और ये बाकी आपके पैसे। पान बीड़ी सिगरेट। डैडी। हाँ बेटी। ठंड लग रही है, खिड़की बंद कर दीजिए। अच्छा। संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर, चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर। संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर, चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर। संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर। ऐसा लगे प्यार जैसे कांटे की चुभन, करे बेकरार जैसे धीमी सी जलन। कभी दिखलाए ये अधूरा सपना, कभी बन जाए ये अनोखी उलझन। दिल में भरा हो जब प्यार का सरूर, चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर। संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर, चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर। संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर। और जरा ठंडी का ख्याल रखिएगा क्योंकि ये जोशी मठ है बाबू जी। रतन, यात्रा खुलने में और कितने दिन है? सड़क साफ करते करते कुछ दिन तो और लग ही जाएगा बाबू जी। हाँ। थापा कहाँ हूँ मैं? बेलन। बेलन नहीं, मैं बेगम हूँ। बेगम? हाँ। बेलन। बेगम बेलन। ये बेलन जब भी पड़ता है आप ही पे पड़ता है। उस दिन पतली तोड़ दी थी, आज भेजा तोड़ दिया मेरा हुक्का। अरे ये हुक्का नहीं बेलन है। अरे कहीं सचमुच आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं नहीं, मैंने उसको यही खड़ा हुआ देखा था, मुझे देखते ही भाग गया। शैतान अंधेरे में खड़ा था। शैतान? हाँ, कहीं घर में तो नहीं गया था वो? कौन शैतान? अरे शैतान नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर साहब तो सुबह को आते हैं, आधी रात को यहाँ क्यों आएंगे? आपने सच में शैतान देखा है? ठहरिए मैं भी वजीफा पढ़ती हूँ। मगर मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी, आप चुप रहिए, मुझे पढ़ने दीजिए। ये बेलन है। कोई नई खबर? कोई नहीं। खत भी नहीं? नहीं। यहाँ कोई खास बात नहीं, मगर आपके गैर मौजूदगी में मीना आपके कमरे में जरूर रहती। तो उसको मुझ पर शक है, मगर डॉक्टर साहब आजकल शर्मा जी उससे बहुत घुल मिल के बातें करते हैं। दैट्स डेंजरस। खैर मैं इसका ख्याल रखूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर, चंदा से चकोर भला कैसे रहे दूर। संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर। ठहरो ठहरो राजेश, मैं भी तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। थापा, थापा, बड़ा गड़बड़ हुआ। क्या बात है बाबूजी? एक लड़की मौत की घाटी की तरफ जा रही थी बाबूजी। मौत की घाटी? हाँ बाबूजी, उधर चारों तरफ बर्फ ही पड़ा है बाबूजी, उधर जो जाता कोई लौट के नहीं आता बाबूजी। बाबूजी कुछ पागल मालूम होती थी बाबूजी। राजेश राजेश बोल रही थी बाबूजी, राजेश बोल रही थी। जरूर आशा होगी, जरूर आशा होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं राय साहब, आपकी बेटी बच जाएगी। इस वक्त टेम्परेचर भी नॉर्मल है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस भगवान का अदा कीजिए राय साहब या इस नौजवान का जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी बेटी की जान बचाई। शाबाश बिल्ला, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहन। मोहन लिखा है। प्यारे रज़ाक, तुमने दोस्ती का फर्ज अदा किया है। अब मैं फौरन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने बद्रीनाथ जा रहा हूँ। यहाँ आशा से भी मुलाकात हुई है। बद्रीनाथ की यात्रा खुलने में अभी 7 रोज बाकी हैं। तुम माँ को समझाए रखना और उन पर ये राज न खुलने देना कि उनका बेटा मुल्जिम है। रज़ाक बेटा, माता जी आ रही है। तुम जाओ। आया माता जी। क्या बात है माँ जी? रज़ाक बेटा, मुझे घर छोड़ा। क्यों? ये घर पराया हो गया क्या? नहीं, ये बात नहीं। कल रामनवमी है ना, और हमारे हर साल रामनवमी के दिन भगवान बद्रीनाथ की पूजा बड़े धूमधाम से होती है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन भगवान बद्रीनाथ जी जब यहाँ मौजूद हैं तो उनकी पूजा भी यही होगी। हाँ, जैसी धूमधाम से वहाँ होती थी वैसे ही धूमधाम से यहाँ होगी। हाँ। लेकिन बिल्ली हो गई एक और मुर्गी कम। अरे खत किधर गया? नपर मियां, डॉक्टर साहब तो नहीं आए थे ना? डॉक्टर साहब ही तो थे, अभी गए हैं। डॉक्टर साहब थे? जी। हो गया खेल। हेलो, इंस्पेक्टर राज स्पीकिंग। हो, कौन डॉक्टर साहब? जी हाँ, मेरे हाथ राजेश का खत लग गया और सुनिए आशा भी वहां मौजूद है। रोजाना दोनों की मुलाकातें होती हैं। जी हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। ओके। कहाँ जा रहे हो डॉक्टर? जोशी मठ, आशा से मिलने। आशा से मिलने या राजेश को गिरफ्तार कराने? तो सुन लिया तुमने है? हाँ, मैंने सुन लिया। घबराने की कोई बात नहीं। जो तुम चाहते हो वो मैं भी चाहती हूँ। मीना, तुम क्या चाहती हो? राजेश की गिरफ्तारी और मौत की सजा। मीना, जो मुझे नहीं मिल सका वो आशा को भी नहीं मिल सकता, और तुम्हारे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या बकती हो? तुम खूनी हो, तुमने रामदास का खून किया है। आस्था बोलो मीना, अगर किसी ने बाहर सुन लिया तो जानती हो उसका क्या अंजाम होगा? बुरे से बुरा यही अंजाम हो सकता ना। तुम मेरा भी खून कर दोगे। तुमने 1 लाख रुपए के लिए रामदास का खून किया है। डॉक्टर, तुम खूनी हो। चिल्ला, अब चिल्ला, कितनी जोर से चिल्ला सकती हो? अरे भाई, क्या गर्मा गर्मी हो रही है? कोई बात नहीं मामा जी, आपने जोशी मठ जाने के लिए कहा था ना, आशा से मिलने के लिए, तो मैं आज ही जा रहा हूँ। और मैं चाह रहा था कि मीना भी साथ में चलती, लेकिन ये नहीं जा रही हैं। तो इतनी सी बात के लिए इतना शोर? देखो बेटा, ऐसा करो कि इस वक्त तो तुम अकेले ही चले जाओ, उसके बाद हम दोनों पहुंच जाएंगे। आखिर शादी की बात भी तो करनी है ना बलवंत राय से। और भाई, शादी की क्या बात करनी है, शादी ही करनी है, समझ गए ना? आओ बेटा। शर्मा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाजी छोड़ के क्यों चले आए? आइए मेरे साथ। मैंने सब सुन लिया है बिटिया। अब जोशी मत पहुंचकर राजेश को सावधान करने की आवश्यकता है। शर्मा जी, आप किसी के झगड़े में क्यों पड़ते हैं? ये तुम्हारा डॉक्टर उस बेचारे की हत्या कर देगा, और निर्दोष की जान बचाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। शर्मा जी, आप कहाँ रह गए? आइए ना। आते हैं। अब आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई माता जी। अब मैं बेफिक्री से जा सकूंगा। कहाँ जा रहे हो बेटा? पिताजी के दोस्त की लड़की की तबीयत खराब है, मैं उसे देखने जाऊंगा। जोशी मठ पहाड़ी मुकाम है, हरिद्वार से जरा आगे। वहां से बद्रीनाथ को रास्ता जाता है। बद्रीनाथ? जी माता जी। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, भगवान बद्रीनाथ हमारे कुल देवता है। सोचा था कभी अपने लालू और उसकी बहू को लेकर उनके दर्शन को जाऊंगी, लेकिन दिल की दिल ही में रह गई। एक बात कहूँ माता जी? कहो बेटा। मेरे साथ जोशी मत चलिए, मैं वहां से आपको बद्रीनाथ ले जाऊंगा और भगवान के दर्शन करवा दूंगा। अरे बेटा, जो कुछ तुमने मुझे गरीब विधवा के लिए किया है वही बात है। देखिए माता जी, आप मुझे अभी अपना बेटा बना चुकी हैं, अपने बेटे की बात मत डालिए। फिर श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर भगवान बद्रीनाथ की कृपा होगी तो आपका बेटा भी मिल जाएगा माता जी। अच्छी बात है, रज़ाक को आ जाने दो, वो कहेगा तो मैं चली चलूंगी। लेकिन माता जी मेरे पास वक्त बहुत कम है, हाँ, और ऐसे नेक काम में रज़ाक भाई इनकार थोड़ी करेंगे। हाँ, उनकी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और रामनवमी की पूजा बेटी? माता जी आपको तो पूजा के पहले ही फल मिल गया। ठीक है, नहीं फिर जल्दी तैयारी कीजिए माता जी, वक्त बहुत कम है। अच्छा अच्छा। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, आपको साफ साफ बता दिया है। अब आप चल के फौरन उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लीजिए। अगर वो उस जगह पर चला गया, क्या नाम है उस जगह का? जोशी मठ। हाँ जोशी मठ। लेकिन आपको कैसे पता है? हमें सब कुछ मालूम है। उसके बाद भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, एक कमाल। क्या बात है? बड़े साहब ने याद किया। अच्छा। अरे हमारी मगर मेरे खबर इतनी गर्म सुनाई, उसके बाद मामला बड़े साहब और छोटे साहब में ठंडा हो गया। क्या मुसीबत है। बेगम, बेगम। क्या बात है? आज हकीकत का पता चला, तुम सुनोगी तो ताज्जुब करोगी। क्या हुआ? माँ जी कहाँ? माँ जी वो तो गई। कहाँ? बद्रीनाथ। डॉक्टर साहब आए थे, बद्रीनाथ जा रहे थे, माँ जी को भी साथ ले गए। कितने फरिश्ता सीरत इंसान है। हो गया खेल। क्या हुआ? अरे वो डॉक्टर फरिश्ता नहीं, शैतान का बच्चा है। जिस खून का इल्जाम राजेश पर है वो उसने खुद किया है, और माँ जी को बद्रीनाथ इसलिए ले गया है कि उसके जरिए राजेश को पकड़ा दे। चलो जल्दी से बद्रीनाथ चलने की तैयारी करो, अपन राजेश को उससे पहले खबर कर देंगे। लेकिन इतने लंबे सफर के लिए पैसे कहाँ हैं? मुश्किल से 20-30 रुपए होंगे। तुम अपने जेवरात बेच डालो, बर्तन भांडे बेच डालो, मेरा ढोलक पेटी बेच डालो, दोस्त की मौत और जिंदगी का सवाल है। चलो जल्दी करो, चलो चलो चलो। ये हरिद्वार है। हिमालय पर्वत की सब तीर्थों की यात्रा यहाँ से शुरू होती है, इसीलिए इसे हरिद्वार कहते हैं। माता जी, ये है लक्ष्मण झूला, इसके दूसरी तरफ भगवान का विशाल मंदिर है, आइए दर्शन करें। चलो बेटा। ये देव प्रयाग है, यहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, यहीं से इनका नाम गंगा होता है। माता जी, ये तीर्थ राज करण प्रयाग है। आज यात्रा खुल गई है, कल सुबह रवाना हो जाऊंगा, 2-3 दिन में लौट आऊंगा। मैं भी चलूंगी। तुम? हाँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी। क्यों नहीं? आशा, आशा बेटी, और डॉक्टर साहब आ गए, वो देखो। अब सब ठीक हो जाएगा। मोहन बाबू, ये डॉक्टर साहब मेरी आशा के मंगेतर हैं। इस महीने की 20 तारीख को मेरी बिटिया की शादी हो जाएगी। आओ 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 मेरे साथ। माँ, माता जी यहाँ क्यों है? अच्छा, ये वही डॉक्टर है जिन्होंने मेरी माँ की आंखों में रोशनी दी है। आशा, एक वादा करो, माँ से मेरे बारे में कुछ नहीं कहना, वो दिल की मरीज है। वादा करो आशा। मैं वादा करती हूँ, लेकिन राजेश तुम डैडी की बातों का कोई ख्याल नहीं करना। मैं डॉक्टर साहब की शादी नहीं करूंगी। मैं मेरे हिंदुस्तान में पहली पेशेंट है। मैंने इनकी आंखों का ऑपरेशन किया है और अब भगवान बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए साथ लाया हूँ। हेलो आशा, नमस्ते। भाई हमें तुमसे शिकायत है, तुमने बंबई में हमारा इंतजार भी नहीं किया और यूं ही चुपचाप भाग आई। खैर अच्छा ये बताओ अब तबीयत कैसी है? तबीयत बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आइए तशरीफ लाइए। चलो बेटा। कौन हो तुम? माँ जी अपना मोहन बाबू है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। एक दिन तो 104 टेम्परेचर में उठकर पहाड़ों में चली गई। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मोहन बाबू ने इसकी जान बचा ली, वरना। मोहन बाबू? मोहन बाबू कौन? यही का रहने वाला है, नहायत ही शरीफ और नेक लड़का है। बस डॉक्टर वो दिन और आज का दिन, टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया और सेहत भी ठीक हो गई। दैट्स वेरी गुड। अरे माता जी ये आप क्या कर रही हैं? मैं इसे थोड़े उठा कर लाई हूँ, वो तो यही का कोई आदमी था। वो तो मोहन बाबू था, खुद ही माता जी का सामान लिया और रख के चला गया बाबू। माता जी ये हैं आशा देवी, आपकी होने वाली बहू। यहाँ आओ बेटी। जीते रहो मेरी बच्ची। डॉक्टर साहब ये बात मेरी समझ में नहीं आई, भाई ऐसा भी क्या काम? 20 तारीख को शादी का मुहूर्त है और बाप बेटी दोनों नदारत हैं, ना द्वारका दास का कुछ पता है ना मीना का। जयराम जी की राय साहब। शर्मा जी आप भी यहाँ पहुँच गए? अरे जहाँ शादी ब्याह की चर्चा हो और वहाँ शर्मा जी ना आए। अरे भाई दक्षिणा तो जब मिलेगी तब मिलेगी, पहले जरा मुंह मीठा कर लिया जाए। जरूर जरूर। मिशी बाबा, मिशी बाबा क्या बात है? मोहन बाबू ने चिट्ठी दिया। चिट्ठी? हाँ। चिट्ठी क्यों दिया? आशा, बहुत सोचा और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं एक ऐसे शख्स के रास्ते में नहीं आना चाहता जिसने मेरी माँ की आंखों को रोशनी बख्शी है। कल सुबह भगवान बद्रीनाथ की यात्रा मेरे जीवन की आखिरी यात्रा होगी। राजेश। मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ डॉक्टर। आशा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या बात है? डॉक्टर क्या तुम ऐसे लड़के से शादी करना पसंद करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती हो? अगर वो लड़की आशा है तो मैं जरूर शादी करूंगा। और अगर वो किसी और से मोहब्बत करती हो तो? मुझे कोई इतराज नहीं, आई एम क्वाइट मॉडर्न। आशा बात ये है कि मैं इस लड़की को किसी कीमत पर भी छोड़ना नहीं चाहता, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। आई लव यू। इतने दिनों मैं तुम्हारी नजरों से दूर रहा तो तुमने दिल से भी दूर कर दिया है। लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है आशा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ डॉक्टर। न तुम वहां पहुंच सकती हो और न ही मैं वहां से लौट सकती हूँ। आशा तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा फर्ज है लोगों की जिंदगी बचाना। फर्ज? मुझे आजाद कर दो, मेरे बंधन खोल दो डॉक्टर, नहीं तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी और वो भी मर जाएगा। वो भी मर जाएगा? कौन है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि कानून की नजरों में वो मुल्जिम है, उस पर खून का इल्जाम है। और ये जानते हुए भी तुम उससे शादी करने को तैयार? हाँ डॉक्टर। और अगर उसको फांसी हो गई तो उसकी विधवा बनकर जिंदा रहूंगी। तो ठीक है, अगर तुम खूनी से ही शादी करना चाहती हो तो तुम्हारी शादी खूनी से ही होगी। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अरे आशा बिटिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं शर्मा जी? बेटी, मैं तुमसे यहाँ एक विशेष बात करने के लिए आया था कि अचानक इस पत्र पर निगाह पड़ गई। राम राम राम, ऐसे पत्र को रखना नहीं चाहिए बेटी, तुरंत नष्ट कर देना चाहिए, तुरंत नष्ट। क्यों? अरे बिटिया, ये पत्र राजेश के किसी शत्रु के हाथ लग जाए तो वो तुरंत उसका खून करके ये पत्र उसके खीसे में रख देगा, और पुलिस को जब राजेश की लाश मिलेगी तो पुलिस यही समझेगी कि राजेश ने आत्महत्या कर ली। बाप रे, और अब तो खूनी भी घर में मौजूद है। खूनी? ये डॉक्टर खूनी है बिटिया, यही कहने के लिए तो मैं यहाँ आया था। 1 लाख रुपए के लिए इसने सेठ रामदास का खून कर दिया, और अब कहीं तुम्हें प्राप्त करने के लिए राजेश का खून न कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम पहले जाकर राजेश को सावधान कर दो, खूनी घर में ही मौजूद है। जी। तुम पहले जाकर राजेश को सावधान कर दो, खूनी घर में ही मौजूद है। घर में मौजूद है। राजेश का खत जो आज मेरे कब्जे में आ गया है, ये उसकी मौत का वारंट है। अब उसे कभी भी खत्म किया जा सकता है। जरूर कोई था। फॉलो ना। हमें जैसे ही मालूम हुआ कि वो खूनी डॉक्टर आपका खून करने के लिए यहाँ आ रहा है, हम भी यहाँ आ पहुंचे। बेगम, बेगम आरामर्द है। और बाकी बातें तो तुमने बेगम से सुनी ली होंगी, अब आगे की सुनो। तुम्हारा खुदकुशी का खत डॉक्टर के हाथ लग गया है। हाँ, मैंने अपने कानों से सुना है। वो अपने गुंडे साथियों से कह रहा था कि ये खत तुम्हारी मौत का वारंट है। बस भाईजान, हम अब आपको यात्रा पे नहीं जाने देंगे। नहीं भाभी जान, यात्रा में मुझे जरूर जाना पड़ेगा। जय बद्री विशाल की। जय बद्री विशाल की। डॉक्टर बेटा कहाँ है? आ रहे होंगे माता जी। माई की जय बद्री विशाल की। भैया जरा घोड़ा किनारे ले चलो। ठीक रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये तो लद्दाख के शब्द इसलिए हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं आता शब्द। तिमिल में शब्द क्या बोल रही थी वहाँ? आलच, छोड़ दो मुझे। अरे अरे क्या कर रहा है? देखिए ना। अरे अरे आशा तुम काम करेंगे बराबर में। ये बेचारा तो तुम्हें माताजी को घरों में बैठने के लिए कह रहा है। तमाम चंगली। प्लीज सॉरी तमाम क्या सोच रही? कुछ नहीं कर। नींद नहीं आ रही है क्या? जी नहीं, नींद आ रही है। शर्मा जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सामने लामागढ़ की धर्मशाला में सोने जा रहा था। इस तंबू के अंदर बहुत गर्मी है। जवाब सही है। 8,000 फुट पे आपको गर्मी लग रही है। 1.5 तस्वीर के आदमी हो डबल निमोनिया हो जाएगा। चलो अंदर चलो। चल तो लेकिन इस अग्निवाला को जरा दूर रखिए। अच्छा ठीक है कम। ये डॉक्टर पूनी है और तुम्हारी जान लेना चाहता है। वो किसी कीमत पे भी मुझे नहीं छोड़ना चाहता। मुझे मालूम। तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे ये भी मालूम है। वो खत जो मैंने तुम्हें लिखा था, जो मेरी मौत का वारंट है, वो भी इस वक्त डॉक्टर के पास है। जी, ये सब कुछ जानते हुए भी तुम यात्रा में हमारे साथ साथ चल रहे हो। मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। दीवाना मालूम होता है। हट जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं बाजे वाला बावा, ना भूत न कोई छलावा, उसी का बेड़ा पार लगे जो सुने मेरी सरगम। बम टिक बम बम बम, बम टिक बम बम बम। मैं बाजे वाला बावा, ना भूत न कोई छलावा, उसी का बेड़ा पार लगे जो सुने मेरी सरगम। बम टिक बम 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 बम, बम टिक बम 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 बम। देखो बात न पूछो हाल दिलों का जानू, हाथ न देखो बात न पूछो हाल दिलों का जानो तू मुझको ना जाने रे मूर्ख मैं तुझको पहचानू ना पागल ना दीवाना मैं रागी हूँ मस्ताना एक तान में खुशी जगा दूं एक तान में गम बम टिक बम 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 टिक बम 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 मैं बाजे वाला बावा ना भूत ना कोई छलावा उसी का बेड़ा पार लगे जो सुने मेरी सरगम बम चिक बम 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 चिक बम 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 मैं सन्यासी तुझको कोई चाल न चलने दूंगा मैं सन्यासी तुझको कोई चाल न चलने दूंगा सुन ले बेटा आज मैं तेरी दाल न गलने दूंगा तू जी ले चाहे मर ले गुस्से में कुछ भी कर ले जिधर जाएगा साथ रहूंगा तेरे मैं हरदम बम चिक बम 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 चिक बम 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 मैं बाजे वाला बावा ना भूत ना कोई छलावा उसी का बेड़ा पार लगे जो सुने मेरी सरगम बम टिक बम 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 टिक बम 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 तेरी नजरें बता रही है नियत है तेरी खोटी तेरी नजरें बता रही है नियत है तेरी खोटी लौट जबरना भस्म करूंगा गाकर राग गझोटी कर लेगा तुझ पे काबू मेरा साथ सुरों का जादू अंग अंग में ताल है मेरे कदम कदम पे सम बम चिक बम 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 चिक बम 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 मैं बाजे वाला बावा ना भूत ना कोई छलावा उसी का बेड़ा पार लगे जो सुने मेरी सरगम बम चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम अंकल मैं 100% दावे से कह सकती हूँ जिस मोहन बाबू के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं दरअसल वही मुलजिम है जो हमारे पास सेक्रेटरी था। शक तो मुझे भी हुआ था बेटी। मैं खुद ताज्जुब कर रहा था कि आखिर उसके मिलते ही आशा अचानक ठीक कैसे हो गई। बस अंकल अब आप शादी में देर ना कीजिए वरना बात जाने कहां से कहां पहुंच जाएगी। मैं कोई पागल हूं जो देर करूंगा। उनके यात्रा से आते ही फौरन शादी किया देता हूँ। वो देखिए माता जी, वो देखिए, वो सामने बर्फ से ढके हुए हिमालय की गोद में बना हुआ भगवान बद्री विशाल का महान मंदिर, जहाँ सबकी इच्छाएं पूरी होती है और जहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अरे ये क्या गलत किया, दाढ़ी मुझे सब गायब, डॉक्टर ने पहचान लिया तो। भगवान बद्रीनाथ मेरी रक्षा करेगी, मैं मंदिर में भेष बदल कर नहीं जाना चाहता। अच्छी बात है तो जाओ, मैं यहाँ पैर पे खड़ा हूँ, जाओ। हो गया खेल। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। माताजी और आशा बिटिया तो भगवान के दर्शन करने के पहले तपकुंड में स्नान करने गई हैं। आप नहीं चलिएगा। बम चिक बम, जिसने लाख रुपए के लिए आदमी की हत्या कर दी हो वो क्या मुंह लेकर भगवान के सामने जाएगा। क्या बकते हो? बाजे वाला बाबा सब कुछ जानता है बच्चा। अगर तू अपनी यात्रा सफल करना चाहता है तो हनुमान चट्टी की धर्मशाला की तरफ अभी जा, तेरा शिकार वही है। शिकार? कैसा शिकार? शिकार का मतलब शिकार ही समझता है। चलो निकलो, बम पलट के मत दे, सीधा जा, बम चिक बम। की जय। मैं तेरी जय जयकार करने नहीं आई हूँ भगवान, तुझ पर इल्जाम लगाने आई हूँ। आज तेरी अदालत में तू ही मुलजिम और तू ही फैसला करने वाला है। मैंने दिन रात तेरे नाम की माला जपी है, तेरी पूजा की है, तेरे गीत गाए हैं, कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। बता बता क्या फल दिया है तूने मुझे? देने के बजाय तूने तो जो कुछ मेरे पास था वो भी मुझसे छीन लिया। आज एक बीमार विधवा नदी और पहाड़ लांघ कर तुझसे अपनी बात का जवाब मांगने आई है। बता क्या मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की थी कि लालू की शादी के बाद अपने बेटे और बहू को लेकर तेरे दर्शन के लिए आऊंगी? कहाँ है मेरा बेटा और कहाँ है मेरी बहू? अगर तू सचमुच का भगवान है तो मेरी एक तरफ मेरे बेटे को लाकर खड़ा कर दे और दूसरी तरफ मेरी बहू को, वरना तो काहे का भगवान। माँ, काहे का भगवान? माँ, ये कौन? मैं हूँ माँ। लाल माँ, मेरे लाल भगवान, तू सच्चा भगवान है। तूने मुझे मेरा बिछड़ा लाल मिला दिया। क्यों रे, कहाँ चला गया था तू अपनी माँ को छोड़कर? क्यों रे, कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? ये आपके बेटे नहीं, ये तो मोहन बाबू हैं। मोहन? हाँ माँ जी, मैं मोहन बाबू हूँ। जोशी मठ में भी आपसे मिला था। ओह, मैं तो समझी थी कि मेरा लालू है। आवाज बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही। इस चौखट से कोई न खाली जाता है इंसान, मन की आंखें खोल के मूर्ख अपनों को पहचान। कुआं पास तू फिर भी प्यासा, कुआं पास तू फिर भी प्यासा, मंजिल को भी रास्ता समझे है ये अजब तमाशा। कुआं पास तू फिर भी प्यासा। जब तक तेरी आंखें, इनमें था उजियारा, आंखों ने जब ज्योति पाई छाया है अंधियारा। है ये तेरी भूल कहे तू आशा को भी निराशा। कुआं पास तू फिर भी प्यासा, कुआं पास तू फिर भी प्यासा। सोच जरा ओ मूर्ख बंदे, इतना क्या घबराना, ढूंढ ले मन का चैन यहीं पर, यही है तेरा ठिकाना। यहाँ भी टूटी आस तो जग में देगा कौन दिलासा। कुआं पास तू फिर भी प्यासा, कुआं पास तू फिर भी प्यासा। मेरा गला घोंट दीजिए, मुझे जहर दे दीजिए, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से शादी नहीं करूंगी। मैं डॉक्टर साहब से, पिताजी क्या आप ही मुझसे रूठ गए? आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मरने से पहले एक बार तुम्हारे दर्शन करना चाहती हूँ, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी। आशा। क्या रे गीता, कैसी लग रही है आशा? बिल्कुल लक्ष्मी का अवतार। तेरी अगर जिंदगी और मौत का सवाल है तो मेरी भी जिंदगी मौत का सवाल है। चल कहाँ तक चलता है? चंपा लाना जरा मन्नू को यहाँ। मेरी तो खैर आंखें नहीं है, लेकिन मन्नू को रजाक ने देखा है, चंपा ने देखा है, सब उसकी तारीफ करते हैं। और तू बगैर देखे यूं अनाप शनाप बके चला जाता है। देख देख मेरी होने वाली बहू को। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जाती हूँ। माता जी। आशा। राजेश, राजेश। आशा। देख लो राजेश, तुम्हारी आशा जिंदगी की आखिरी घड़ी में तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से मुझे दुल्हन बनाया है। अब तुम अपने हाथों से मेरी माँ में सुहाग का सिंदूर भर दो। कैसी बातें कर रही हो आशा? अब तक मेरी माँ के ख्याल ने मुझे कमजोर बना रखा था, लेकिन उस दिन मैंने मंदिर में देख लिया, भगवान बद्रीनाथ ने उन्हें इतनी शक्ति दे दी है कि वो मेरे गम को बर्दाश्त कर सके। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं राजेश, समझती क्यों नहीं? न मैं तुम्हें मौत के हाथ में सौंपना चाहता हूँ, न उस खूनी डॉक्टर के। तुम्हारा मेरा जन्म जन्म के साथ है आशा, हमें साथ साथ जीना है, साथ साथ बंदा है। आशा मेरे हाथों में हाथ डालकर तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तैयार हूँ। बेशरम कमीने, ये मेरे डॉक्टर बेटे की होने वाली बहू, आज इसकी शादी है। हाथों में सुहाग की मेहंदी लग रही है और तू इसे पाप का रास्ता दिखा रहा है, भगा कर ले जा रहा है। मैं इसे भगा कर नहीं ले जा रहा हूँ माँ। माँ? खबरदार मुझे माँ कहा तो, जैसे पापी को मुझे माँ कहने का कोई अधिकार नहीं। तुमसे तो मेरी बात तो सुनो माँ, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। कुछ सुनना नहीं चाहती। तेरी जगह अगर आज मुझे माँ कहने वाला मेरा लालू भी होता ना, तुम उसका भी गला घोट देते। आप अपने बेटे का गला घोट देते? जरूर घोट देते, फिर भले से मेरी जिंदगी भर रोना पड़ता। माता जी खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहा है? अगर तूने किसी शरीफ माँ का दूध पिया तो काला मुँह लेकर चला जाए यहाँ से, किसी पहाड़ी से खुद कर जान दे दे। माँ की आज्ञा, भगवान की आज्ञा। ये वही बना, ये वही बना। लालू, लालू, लालू। शर्मा जी, राजेश को बचाइए, वो खुदकुशी करने जा रहा है। क्यों? ये सब मैं आपको फिर बताऊंगी, प्लीज। मैं अभी जाता, अभी जाता। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं उसको अभी वापस लाऊंगा। जाइए ना। जाता। डॉक्टर बेटा, मेरे लालू को बचाइए। लालू, लालू यहाँ आया था? हाँ, मैं ना जाने गुस्से में उसे क्या कुछ कह बैठी। वो खुदकुशी करने गया है। माता जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपनी जान पर खिलकर आपके बेटे की जान बचाऊंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। देखा वही हुआ ना जो मैं कहना था, राजेश खुदकुशी करने जा रहा है। उसका खुदकुशी का खत आपके पास है ना? यस आई हैव गॉट इट, कम फॉलो मी क्विक। यू आर राइफल डॉक्टर, वेरी काइंड ऑफ यू। दूरअंदेशी का शुक्रिया। बेगम, बेगम गजब हो गया बेगम, आज बंबई के तमाम पुलिस अफसर यहाँ आ गए। राजेश कहाँ है? वो आशा से मिलने गया है। आशा से मिलने हो गया? खेर आज आशा की शादी डॉक्टर के साथ हो रही है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। शाह बाबू जी को बचाइए, वो चले जा रहे हैं मौत की घाटी की तरफ। अच्छा सुनो, मैं भी चलती, जरा ठहरो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी आओ ना, क्या ले रहे हो तुम? आते क्या है हुजूर? राजेश आत्महत्या करने मौत की घाटी की तरफ जा रहा है और खूनी उसका पीछा कर रहा है। कम ऑन, लेट्स गो। मैं आपको गाइड करूंगा। और देखो हवलदार, बाकी सब जवानों को साथ ले लो। जी राजेश, ये क्या कर रहे हो? माँ की आज्ञा यानी भगवान की आज्ञा। जरा सोचो तुम्हारे बगैर माँ का क्या होगा। जब उन्हें मालूम होगा कि तुमने बुजदिलों की तरह खुदकुशी कर ली, तब जिंदा रह सकेंगे वो? और उस मौत की जिम्मेदारी किस पर होगी? किस पर? तुम पर। वाले चोटे पर। लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? मेरे ख्याल में तो यही एक रास्ता है वहाँ जाने का। अरे डॉक्टर, मालूम होता है कि शैतान अपने साथ में गुंडों को लेकर उसी को ढूंढने जा रहा है। इसे रोकना चाहिए। पर हम रोकेंगे कैसे? उनके पास तो बंदूक है। तुम्हारे पास भी तो बेलन है ना। इशारा मेरा, इशारा तुम्हारा। पैसे बंदूक, पैसे बेलन। तैयार कर लो बेलन, आ जाओ। चलो। शंकर जी, तुम इन दोनों को लेकर उस रास्ते से जाओ। आओ जी, चलो जल्दी चलो। और मैं कोई दूसरा रास्ता तलाश करता हूँ। क्या हुआ? कुछ लगा। अबे कुछ भी नहीं, अबे कुछ भी नहीं है, क्यों डरता है? कुछ है। तुम लोग यहाँ बैठे हुए, क्या हुआ तुम्हारे सर? सरकार वहाँ पर कुछ है, सर पर ठाक ठाक वार करते हैं सरकार। सरकार वहाँ भूत मालूम होता है। भूत भूत नॉनसेंस, आओ मेरे साथ। चलो 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 सरकार, चलो चलो। कहाँ है भूत? हैं? तो क्या बात है डॉक्टर साहब, ये आप लोग सर क्यों बोल रहे हैं? भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? हाँ। कौन है? रज़ाक? भाभी जान, तुम ये क्यों आए? पीछे हटो, फिर बताता हूँ तुम्हारी जान बचाने के लिए। भाई जान जल्दी चलो यहाँ से, वो शैतान डॉक्टर गुंडों को लेके बंदूक लिए यहाँ आ रहा है। तुम्हें मारने के लिए, और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी खुदकुशी का खत तुम्हारी जेब में रख देगा, और फिर हो गया खेल। चलो चलो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, सारे झगड़े की जगह है। अरे छोड़ दो, मैं कहता हूँ। उठो, चलो जाने, चलो चलो चलो। शैतान, अरे चलो भाई। तो राइफल भी है। Never mind. तुम वहां से जाओ। You come with me. There he is. Hiding there. Take cover. देखा हवलदार, ये वही दोनों बदमाश हैं जो बंबई से उसके साथ आए। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, अब तो यही पांव डालना चाहिए। बच जाओ। हथियार डाल दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। के भाव में मिला हाथ। बेगम तुम भी आने दो, ये बात है। चलो अब हो गया खेल, आज से तुम मुल्जिम नहीं रहे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो आओ चले, चलो आ जाओ संभाल के, इधर से आओ उधर से आओ। We got him now. Follow the blood trail. सर गोली खाकर आदमी इतनी दूर तक कैसे चल सकता है? हम लोग एक मील तक और आगे आ गए। सर इसके आगे तो खून के निशानात भी गायब। सरप्राइजिंग। कम ऑन बॉयज। मुझसे तो अब नहीं चला जाता, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए हम लोग? ठहरो मैं दिखाता हूँ अभी रास्ता। ठहरो आ जाओ पीछे पीछे। आओ भाभी साहब। सर वो बदमाश उस नाले में बैठा है लेकिन जख्मी जरूर हो चुका है। आहिस्ता बोलो, देखते नहीं है सब बर्फ के पहाड़ हैं। जोर से बोलने से सब के सब गिरने शुरू हो जाएंगे। बहुत खतरनाक जगह है ये। चलो बताओ कहाँ है? आइए। कहाँ जाता है? चलो ले चलो ले चलो। जान पुलिस पुलिस अब पकड़ लिया। ये देखो ये देखो। इतना जोर से मत चिल्लाओ वरना ये बर्फ के पहाड़ सब गिरने लगेंगे। अच्छा मुझे मालूम नहीं था। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका शिकार। पेलम से किया है गिरफ्तार। हिल मत बे खूनी। खूनी? हाँ खूनी। सेठ रामदास का खून मैंने नहीं किया था, इसने किया था। Our international friend. Rajesh! Asha! Don't shout. My God! Don't shoot. तुम लोग गोली नहीं चला सकते क्योंकि गोली की आवाज से वो बर्फ के पहाड़ गिरने लगे। And I won't shoot you as well. मैं मर रहा हूँ, लेकिन अकेला नहीं मरूंगा, अकेला नहीं मरूंगा। तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। संग रहेंगे तुम्हारे भी हुजूर। गंगा से और भला कैसे रहे संग संग रहेंगे तुम्हारे जी हुजूर।